तो भाई स्वागत है आपका एक और नई पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू की वीडियो में। तो पिछली बार हम इस फॉरेस्ट में आए थे और हमने कुछ बग टाइप पोकेमोन भी पकड़े थे। और भाई आज की इस वीडियो में हमें इस फॉरेस्ट से निकलने का ट्राई करेंगे और भाई अपने जिम मुकाबले की तरफ बढ़ेंगे। तो भाई जिसने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं करा तो यार जल्दी से जाकर करो। तो चलो यार वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ तक भाई चैलेंज अपने हमने कर लिए थे और अब मैं इससे ही बात कर लेता हूँ, क्या पता है चैलेंजर हो तो बात कर लेते हैं। ये तो शायद से हमने इससे बात कर ली थी, तो चलो आगे चलते हैं भाई। तो भाई इस साइड चलते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे क्या क्या है, हमें कोई बग टाइप पोकेमोन नया देखने को मिलेगा। तो भाई चलो हमें एक चैलेंज मिल चुका है फाइनली। और भाई आप एंजॉय करो बैटल और चलो मैं मिलता हूँ इस बैटल के बाद। तो भाई हमने एक और बैटल जीत लिया और हमारे पिकाचू ने एक नया मूव भाई आ गया है उसे, जो है भाई डबल किक। तो चलो ये अच्छा है भाई, नए नए मूव्स आ रहे हैं और यहाँ पे मुझे एक भाई पोकेबॉल मिल जाते हैं, देखते हैं क्या मिला है। 5 पोकेबॉल मिल चुके हैं तो अच्छा है। चलो आगे के सफ़र पर हम शुरू मतलब स्टार्ट करते हैं फिर से। तो और नए नए ट्रेनर से मिलते हैं और नए नए चैलेंज लेते हैं। तो शायद से भी ट्रेनर है तो देख लेते हैं, अगर ट्रेनर हुआ तो अच्छी बात है। चलो जितना ज़्यादा हम भाई करेंगे बैटल उतना अच्छा है। तो चलो भाई ये बैटल भी आप देखिए। हमने भाई इस ट्रेनर को भी भाई हरा दिया है। तो चलो हम आगे ही जर्नी कंटिन्यू रखते हुए आगे चलते हैं और यहाँ पे भाई छानबीन करते हुए चलेंगे। हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, यहाँ पे भाई पोकेबॉल्स मिल सकती है पड़ी हुई जैसे कि हमें यहाँ पर मिली, तो जल्दी से इसको पिक करते हैं और सारे में भाई एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। तो जल्दी से चल रहे हैं और नए नए ट्रेनर से मिलेंगे और नए भाई पोकेमोन ढूँढने हमें इस वीडियो में भी। तो चलो ढूँढते हैं किसी ट्रेनर को और उसको भाई चैलेंज करेंगे। तो यहीं से चलते हैं सीधा। अभी तक भाई हमें एक भी ट्रेनर नहीं मिला और ये भी भाई शायद से ट्रेनर नहीं आए, हमें कुछ बता रहा है। तो चलो हम आगे ही जर्नी कंटिन्यू रखते हुए भाई घूमते हैं यहाँ पे। तो भाई मुझे लगता है ट्रेनर है। चलो भाई फाइनली एक और बैटल और भाई आप एंजॉय करो बैटल को स्पीड में।
तो भाई हमने भाई इस ट्रेनर को हरा दिया। और इसने हमें एक और बात बताई थी कि इस फॉरेस्ट में भाई बल्बासोर रह सकता है और जो हेल्प कर सकता है हमें भाई प्यूटर जिम में। तो भाई उसके लिए मुझे उसे ढूंढना होगा। तो चलो हम अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं, क्या पता हमें आगे ही मिल जाए। तो देखते हैं ये भी ट्रेनर है क्या। अगर ट्रेनर है तो अच्छी बात है, हमारी पोकेमॉन्स की लेवल बढ़ेगी। तो चलो ये भी ट्रेनर है और आप इंजॉय करो जल्दी फाइट। हमने भाई इस ट्रेनर को भी हरा दिया। तो अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हो भाई, हम आगे चलते हैं और यहाँ पे एक्सप्लोर भी कर लेते हैं। हमें कुछ कोई सी भी चीज़ भाई छोड़नी नहीं है, तो इधर के रास्ते भी देख लेते हैं यहाँ पे कुछ है या नहीं। और यहाँ आगे चलते हैं, ये भी एक रास्ता है शायद से, दोनों कनेक्ट हो रहे हैं उस साइड का और इस साइड का। तो चलो सीधे आगे चलते हैं। अरे भाई देखो भाई, पोकेबॉल कैसे हाइड हो रखी है। आई होप मैंने पीछे और कोई पोकेबॉल ना छोड़ी हो ऐसे। तो चलो भाई कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अगर छोटी होगी तो भाई बताना कमेंट सेक्शन में, हम वापस लेने आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सेम रास्ता ही लग रहा है मुझे, आगे वाले से कनेक्ट है भाई। तो चलो आगे रास्ता ढूंढते हैं। और मुझे साइड में भाई रास्ता दिख भी रहा है। और भाई यहाँ पे देख सकते हो भाई ऑडिश वगैरह है। तो रास्ता ढूंढते हैं भाई, वैसे तो रास्ता दिख रहा है यहीं साइड से, यहीं से निकलते हैं। यही होगा रास्ता शायद से बाहर निकलने का इस फॉरेस्ट से। और हाँ भाई चलो, मुझे लगता है ये भी एक ट्रेनर है, तो बात कर लेते हैं भाई जल्दी से। तो बात करते हैं। तो भाई हाँ चलो भाई, ये भी एक बैटल है, तो आप इंजॉय करो इसे भी। तो भाई इस ट्रेनर को हराने के बाद हम अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हुए भाई आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे और कोई ट्रेनर है, क्योंकि हमें अपने भाई पोकेमॉन्स की लेवल भाई इंक्रीज़ करनी है। और भाई शायद से हम सिटी में पहुँचने वाले हैं। तो चलो भाई यहाँ पे हमें वैसे बल्बासोर तो नहीं मिला, पर सारी जगह भाई ढूंढते हुए चलेंगे, पीछे आगे क्या पता हमें मिल जाए। तो चलो भाई यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है अभी। यहाँ पे तो कैटरपी और मेटापोड वगैरह वीडिल वगैरह है, बल्बासोर नहीं है। तो चलो यहाँ पे देख सकते हो भाई आगे एक शायद से ट्रेनर है, तो शायद से अच्छी बात है। उधर इधर भी देख लेते हैं, क्या पता यहीं कहीं पर बल्बासोर घूम रहा हो। तो उधर की साइड भी देख लेते हैं, मैंने सही से नहीं देखा। तो यहाँ पे भी शायद से बंद है, नहीं भाई यहाँ पे जगह है। तो यहाँ अच्छा भाई देखो भाई पोकेबॉल कैसे हाइड है। तो यहाँ पे हमें कुछ लूर मिला शायद से, पता नहीं किस काम का है। मैं इसको भाई चेक कर लूँ अभी किस काम के लिए है ये अभी। तो आगे चलते हैं भाई ट्रेनर से, शायद से वो आखिरी ट्रेनर है इस जगह का जिसको हमें भाई हराना है। तो जल्दी से उसे जाके भाई हरा देते हैं। तो फाइनली भाई हमने भाई अपने इस जगह के आखिरी ट्रेनर को भाई हमने भाई हरा दिया है। और भाई मुझे इस लूर का पता चला है कि इसकी मदद से भाई रेयर पोकेमोन के चांस है भाई, जैसे बल्बासोर इस जगह पे भाई रेयर है, अगर मैं इसका यूज़ करूँ तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो स्पॉन हो जाए। तो चलो भाई इसका यूज़ करते हैं और देखते हैं, अगर हमारा लक अच्छा हुआ तो हमें मिल जाएगा। तो इस लूर को भाई यूज़ कर लेते हैं।
यूज दिस आइटम। तो चलो भाई मैं जल्दी से इसको ढूंढता हूँ बल्बासोर, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, हम पे ओडिश तो है ही, ग्रीन वो ग्रास टाइप पोकेमोन है जो हेल्प कर देगा भाई हमें प्यूटर जिम में। और हमारे पास तो भाई बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद फाइनली मुझे भाई बल्बासोर मिल चुका था, और मुझे मैंने फाइनली भाई ढूंढ ही लिया इसे। तो चलो इसको बैरिस खिलाता हूँ और भाई इसको फिर कैच करते हैं। तो चलो जल्दी से इसे कैच करते हैं, फिर भाई आप अपने जिम मुकाबले की तरफ बढ़ेंगे। अब तो भाई पक्का पकड़ा जाएगा, क्योंकि भाई एक्सीलेंट हमारी है भाई पोकेबॉल, सच से पकड़ा जाए तो देखते हैं भाई पकड़ा जाएगा या नहीं। तो फाइनली भाई हमने भाई बल्बासोर को पकड़ लिया है, और यहीं से अब हम अपनी जर्नी की कंटिन्यू करते हुए जल्दी से निकलते हैं भाई प्यूटर सिटी की तरफ। और यहाँ पे भाई चार पोकेमोन को भाई लेवल अप भी आ गया, और भाई पोकेडेक्स में भाई बल्बासोर का भाई डाटा भी आ गया। तो चलो भाई सीधा निकलते हैं हम, ये है भाई ग्रास एंड पॉइजन टाइप बल्बासोर। तो चलो भाई अब निकलते हैं जर्नी में, हमें यहीं पे मिल गया था इस गेट के पास। तो चलो सीधा चलते हैं हम अंदर और ढूँढते हैं। और भाई भाई बिल्कुल सही टाइम पे ये इसका इफेक्ट भी ख़त्म हुआ है लूर का, वरना अगर पहले ही हो जाता तो बल्बासोर भी नहीं मिलता। तो सीधे चलो अंदर चलते हैं हम इसके, और यहाँ पे तो चलो चलते हैं। तो भाई यहाँ पे बात भी कर लेते हैं, क्या बोलेंगे, ठीक है भाई। तो चलो ये तो ट्रेन नहीं है, तो चलो भाई शायद से अभी भी सिटी नहीं आई है, ये रूट ही चल रहा है। तो चलो आगे बढ़ते रहते हैं, यहाँ पे वैसे कोई भी नया पोकेमोन तो दिखा नहीं। तो शायद से भाई फाइनली हम प्यूटर सिटी पहुँच चुके हैं, तो अच्छी बात है। और भाई चलो ये भाई ये भी यहाँ पे आ चुका है भाई, ये भी जिम मुकाबले के लिए आया हुआ। तो चलो फाइनली ये भी यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हो ये हमसे पहले पहुँच गया शायद से। चलो कोई बात नहीं, इससे बात कर लेते हैं फिर चलेंगे। तो मुझे इसने भाई 5 पोशन दे दिए हैं, और इस सीट भी मैं सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ भाई पोकेमोन सेंटर। और भाई बोल रहा है कि जिम मुकाबले में बहुत अच्छा प्राइज़ मिलता है, और चलो हम सीधा पहले पोकेमोन सेंटर चलते हैं, ताकि मैं भाई क्योंकि अभी भी बैटल भी करी है तो शायद से हेल्थ कम होगी हमारे पोकेमोन की। तो सीधा अंदर चलते हैं। तो चलो भाई हम आ चुके हैं पोकेमोन सेंटर में, और बात कर लेते हैं भाई, तो दे देते हैं भाई अपने पोकेमोन, ताकि हम भाई अपना जिम मुकाबला भाई कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पे भाई हमारे 6 के 6 पोकेमोन आ चुके हैं, और चलो फाइनली हमारा यहाँ का काम भी हो चुका है। तो जल्दी से वापस ले लेते हैं पोकेबॉल्स और निकलते हैं भाई पोकेमोन सेंटर से। और यहाँ पे जिम भी ढूँढना है, तो सबसे पहले हम जिम को भाई चैलेंज करने वाले हैं, तो जिम भी ढूँढ लेते हैं। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, और भाई वो री जिम क्या यहीं से रास्ता है जाने का, नहीं भाई। चलो भाई इसी बहाने मुझे एक पोकेबॉल भी मिल गया, जिसमें भाई कुछ पोशन है एक्स डिफेंस का। और यहाँ पे
यहाँ पे हम निकल जाते हैं जल्दी से जिम को मुकाबला करने के लिए। और भाई हम रेडी हैं भाई, अगर बल्बासोर हार गया तो हमारे पास ऑडिश है और वो भी अच्छा करेगा क्योंकि वो ज़्यादा लेवल अप है उस बल्बासोर से। तो सीधा हम चलते हैं भाई प्यूटर जिम में। फाइनली भाई हमारा पहला जिम मुकाबला, तो एंटर करते हैं भाई। हाँ भाई हम चैलेंज करने आए, तो बात कर लेते हैं इससे। टाइप मैचअप्स एडवांटेज रॉक टाइप जिम के खिलाफ, तो हमारे पास है भाई ग्रास टाइप, इसको दिखा देते हैं क्योंकि शायद से इसके बिना हम नहीं आ सकते भाई जिम में। तो बात कर लेते हैं इसको, शायद से मैं यही दिखा देता हूँ बल्बासोर। चलो भाई हम सीधे चलते हैं भाई यहाँ के जिम लीडर को भाई हराने के लिए। तो चलो इससे बात ख़त्म करते हैं और आगे चलते हैं, शायद से इनसे भी भाई हमें फाइट करनी है। तो भाई अच्छा है हमारे पोकेमोन भी लेवल अप हो जाएंगे, तो जल्दी से मैं इनसे फाइट करता हूँ और भाई आप भी एंजॉय करो इस फाइट को। फाइनली हमने इस ट्रेनर को भी हरा दिया, तो शायद से हमें इससे भी बैटल करनी है। चलो भाई अच्छा है हमारे पोकेमोन भी होते रहेंगे भाई लेवल अप, तो चलो इससे भी बैटल करते हैं जल्दी से और जीतते हैं। तो फाइनली भाई हमने इस ट्रेनर को भी हरा दिया, तो भाई अगला ट्रेनर है भाई ब्रॉक, जो है भाई जिम लीडर। तो चलो जल्दी से जाकर भाई बात करते हैं, तो बात सुन लेते हैं क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है ब्रॉक यहाँ का जिम लीडर है, जो ये है ब्रॉक इसका नाम है। और तो भाई रॉक टाइप पोकेमोन है इसके, और ये बोल रहा है कि तुम्हें चैलेंज कर रहे हो, तुम्हें पता है भाई तुम हारने वाले हो, तो देखते हैं भाई कौन जीतेगा। तो चलो यहाँ पे बैटल आप इंजॉय करो, देखते हैं भाई कैसी जाएगी हमारी बैटल। तो यहाँ पे हमारा भाई पहले देखते हैं इसका कौन सा पोकेमोन है। तो इसके दो पोकेमोन है, पहला है भाई जियोडूड जिसको अभी हराया भाई दो बार। तो चलो हम अब हमारे पे बल्बासोर है और ओडिश भी है, तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो इसको भी जल्दी से हराते हैं और अपना भाई पहला बैज लेंगे। और चलो इसको इन वीव्स की जगह मैंने भाई जल्दी से गलती से भाई टैकल कर दिया। तो भाई यहाँ पे मैंने बैग खोल के देखा, हम भाई बैटल के दौरान भाई ये पोशन यूज़ कर सकते हैं, तो अच्छी बात है जल्दी से पोशन यूज़ करते हैं और भाई इस जियो डूड को भाई हरा देते हैं। और चलो हमारे शायद से बल्बासोर की हेल्थ फुल हो जाएगी, हाँ भाई फुल हो गई है एचपी। और चलो जल्दी से हम इसको भाई हराते हैं और अपना भाई बैज लेते हैं।
तो भाई यहाँ पे हमने भाई जियोडूड को हरा दिया है। तो देखते हैं भाई इसका अगला पोकेमोन कौन सा है और देखेंगे भाई उसे हरा पाएंगे या नहीं। वैसे हम पे एक और पोकेमोन है जो है भाई ओडिश, और अगर अगर मुझे जीतना है तो मेरे पे पोशन है ही, तो उनसे भी जीत सकते हैं भाई आराम से। तो फाइनली इसको इसका पहला पोकेमोन हमने हरा दिया है। तो अगला पोकेमोन देखते हैं कौन सा है, देखते हैं भाई कौन सा है अगला पोकेमोन। ओनिक्स है भाई, मुझे पता था भाई ओनिक्स ही होगा, तो मुझे स्विच नहीं करना है। अगर ये हारा तो हमारे पे ओडिशा उसको यूज़ कर लेंगे। तो उसने भाई ओनिक्स भेजा है जो ए रॉक टाइप ही पोकेमोन है, बस भाई इसके ज़्यादा खतरनाक अटैक ना हो। तो भाई लेवल भी भाई 12 है भाई इसका, और मैंने भाई अभी तक हील भी नहीं करा अपना ये बल्बासोर। तो चलो भाई होपफुली भाई ये जीत जाए हम बैटल, वैसे हार्ड तो है भाई ये, तो चलो हराते हैं भाई इसे जल्दी से। तो भाई हमारा भाई बल्बासोर भाई जा चुका है, तो दूसरा पोकेमोन निकाल लेते हैं जो है भाई अपना ओडिश। तो देखते हैं ये हरा पाएगा या नहीं, तो जल्दी से इसको निकाल लेते हैं पोकेमोन को अपने ओडिश को, जो हेल्प कर दे शायद से हमें। वैसे इसके पास बहुत से नए अटैक भी खुले हैं जो अभी तक मैंने भाई ट्राई भी नहीं करा है। तो जल्दी से भाई इसको यूज़ करते हैं और अपना भाई पहला अटैक देखते हैं कौन सा करें। तो एब्जॉर्ब भी करते हैं, ग्रास टाइप अटैक है तो इस पर ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो इसने भाई रॉक थ्रो यूज़ करा है जिससे भाई उससे भी तगड़ा डैमेज पड़ रहा है। तो देखते हैं एब्जॉर्ब से कितना होगा, शायद से उसकी एच पी एब्जॉर्ब। अरे भाई मुझे तो शायद से ओडिशी यूज़ करना चाहिए था शुरुआत से, क्योंकि भाई इसने तो भाई एक बारी में ओनिक्स को हरा दिया। तो चलो कोई बात नहीं, अब पता चल गया भाई ओडिश भी भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ओडिश को भाई बहुत ज़्यादा लेवल मिल चुकी है और वो भी भाई लेवल अप हो चुका है, तो अच्छी बात है। हमारे और भी पोकेमोन लेवल अप हुए होंगे और अगली भाई अब अगली जर्नी पे भी निकलना है। तो जल्दी से देख सकते हो भाई कितने सारे पोकेमोन में लेवल अप आ चुकी है और जिम लीडर को हरा दिया हमने। और भाई देखो भाई, और हमें भाई मनी भी बहुत ज़्यादा मिली है जिससे हम भाई पोकेबॉल्स वगैरह खरीद सकें। तो चलो भाई बात कर लेते हैं इससे। तो यहाँ पे फाइनली, तो चलो भाई फाइनली हमने भाई हरा दिया ब्रोक को, और जो बहुत अच्छी बात है। तो फाइनली हमें भाई अपना एक वो भी मिल चुका है भाई बैज, जो भाई बहुत अच्छा है भाई। अब तो हम भाई अगले जिम के लिए निकल सकते हैं और नए नए पोकेमोन को भाई अपना दोस्त बनाएंगे। तो हमें कुछ बातें बता रहा है तो सुन लेते हैं, फिर हम निकलेंगे भाई बाहर। तो भाई फाइनली हमने भाई अपनी पहली जिम हरा दिया, तो भाई बाहर निकलते हैं और चलते हैं भाई अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हुए बाहर। तो वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लग गया भाई इसे। तो फाइनली बाहर निकल चुके हैं। तो ये कौन है जिसने बुलाया, ये तो भाई गैरी है, तो वो कौन है जो हमारा भाई दोस्त है। तो इसका चलो भाई, तो ये जानता है मेरे बारे में, तो चलो पूछ लेते हैं। तो भाई इसका नाम ब्लू है, मतलब ये तो चलो कोई बात नहीं, शायद से बस इसका नाम ही चेंज है, पर ये गैरी है। तो भाई बात कर लेते हैं। तो ये बता रहा है कि भाई दो नए ट्रेनर निकले थे पायलट टाउन से, तो चलो भाई ये थोड़ी सी एडवाइस देना वगैरह वगैरह एक्सपीरियंस ट्रेनर के ख़िलाफ़। और ये बोल रहा है मैं लेट हो गया, चलो ये बोल रहा है कोई बात नहीं है। इसने बोल रहा है, इसने हमें भाई थोड़ा सा रिवॉर्ड दिया जो है भाई 5 ग्रेट बॉल, जो भाई और ज़्यादा हेल्प कर सकती है भाई रेयर पोकेमोन को पकड़ने में। तो फाइनली चलो भाई गैरी तो जा चुका है, तो हम भी अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू रखेंगे अगली वीडियो में। अगर आई होप यार आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर जरूर जाना। तो भाई मिलता हूँ मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।